क्रिकेट आज अपने आप को जिस तरह से छोटे छोटे फॉर्मेट्स में ढाल रहा है वह शायद दर्शकों की ही डिमांड पूरी करने का काम कर रहा है। आजकल की जनरेशन क्रिकेट का असली मतलब सिर्फ चौको छक्को से लगाती है, जबकि उनसे पहले वाली जनरेशन ने एक क्वालिटी पैक्ड बल्लेबाजी के सामने उससे भी अधिक गुणवत्ता वाली गेंदबाजी देखी। यह वह दौर था जब मैकग्रा, डोनाल्ड, एम्ब्रोस, श्रीनाथ, वकार, कैडिक जैसे गेंदबाज अपने प्राइम टाइम पर थे और लंबे वक्त तक उस प्राइम पर काबिज रहे। दाएं हाथ के इन प्रतिभाशाली गेंदबाजों को एक बाएं हाथ का स्विंग गेंदबाज अकेले ही चुनौती दे रहा था और दोनों की यह प्रतिस्पर्धा बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनी रही। आज की वीडियो में हम उसी बाएं हाथ के अब तक के सबसे सफल महानतम और स्टाइलिश बॉलर द सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से मशहूर वसीम अकरम की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि छोटे रनअप के बावजूद अकरम ने 900 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट चटकाए और कुल 4 हैट्रिक अपने नाम की। इससे पहले कि वसीम अकरम के सफरनामे में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने से पहली वाली पीढ़ी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपने आपके बड़ों ने भी कभी न कभी यह सोचा होगा कि काश सचिन और अकरम एक ही टीम में होते तो कितना खूबसूरत नजारा होता। 3 जून 1966 को लाहौर में जन्मे वसीम अकरम का गांव अमृतसर में था, जहां से उनके पिता चौधरी मोहम्मद अकरम बंटवारे के बाद लाहौर आकर रहने लगे। यहीं लाहौर की गलियों से ही वसीम अकरम ने स्कूली तालीम ली और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से पढ़ाई पूरी की। 70 के दशक के उत्तरार्ध में ऐसा दौर चल रहा था जब बॉलिंग का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गोल्डन एरा चल रहा था, जहां वेस्टइंडीज की चौकड़ी ने गेंदबाजों के युग को सितारों सा सजा दिया था। पाकिस्तान से इमरान खान ये जिम्मा ले चुके थे और यकीन मानिए हर पाकिस्तानी के आदर्श वही हुआ करते थे, वसीम अकरम के भी। उन्हीं से प्रेरित होकर वसीम अकरम ने भी क्रिकेट में प्रोफेशनल बनने की ठान ली। दुबले से वसीम अकरम लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर और ओपनिंग बल्लेबाज बनना चाहते थे, क्योंकि उनका लक्ष्य इमरान खान की भांति ऑलराउंडर बनना था। लेकिन वक्त ने करोड़ बदली और संसार ने बाएं हाथ का अब तक का सबसे बेमिसाल फास्ट बॉलर देखा। बिना कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले वसीम अकरम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। यहां तक कहा जाता है कि अकरम अपने कॉलेज की टीम में भी नहीं खेले थे। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करने के लिए गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आई थी, तो वहाँ गेंदबाजी के लिए ट्रायल चल रहे थे। पहले के 2 दिन तो अकरम केवल दर्शक ही बने रहे, लेकिन तीसरे दिन उनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। जावेद मियादाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बड़ा चेहरा थे और वसीम अकरम की सटीक लाइन और पाकिस्तान की पिच पर तेज रफ्तार देखकर मियादाद दंग रह गए और उनसे इतने प्रभावित हुए कि उनकी नेशनल टीम एंट्री कराने के लिए मानो जिद पकड़ कर बैठ गए। 23 नवंबर 1984 का वो दिन आ ही गया जब वसीम अकरम ने जहीर अब्बास की कप्तानी में फैसलाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे ओडीआई मैच से अपना डेब्यू किया। बेंसन एंड हेजेस कप में अपने करियर के तीसरे ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेकर उन्होंने अपने महान होने का शंखनाद किया। अपने क्विक आर्म एक्शन की वजह से उनको मिस्टर व्हिपी कहा जाने लगा। साल 1985 में ऑकलैंड में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही टेस्ट डेब्यू किया और अपने दूसरे ही टेस्ट की दोनों पारियों में 5-5 विकेट लेकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। दरअसल वसीम को खुद नहीं पता था कि वो स्विंग भी करवाते हैं, उन्हें लगता था कि ये बस पिच से बॉल डाइवर्ट हो रही है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को उनका क्विक आर्म एक्शन भयावह सपने की तरह डरा रहा था। 1989 में भकार यूनिस के डेब्यू के साथ ही 13 साल तक विश्व क्रिकेट को सबसे कामयाब गेंदबाजी जोड़ी मिली। दोनों ने लगभग अपने दम पर पाकिस्तान को बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर दिया। उनको साल 1993 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया। बाकी रिकॉर्ड्स की बात हम वीडियो के अंतिम चरण में करेंगे। साल 1988 में वसीम ने इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट क्लब लंकाशायर को ज्वाइन किया। 1988 से 1998 तक वे उनके ओपनर बॉलर हुआ करते थे। यही नहीं, साल 1998 में उन्हीं की कप्तानी में लंकाशायर ने नेटवेस्ट ट्रॉफी और संडे लीग जीता और काउंटीशिप चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर रही। वसीम उन दुर्लभ खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें लोकल ब्रिटिश फैंस से बेशुमार प्यार मिला। वो फैंस वसीम फॉर इंग्लैंड नाम का गाना गाया करते थे जब वसीम लंकाशायर के लिए खेलने आते। साल 1984 के शारजा कप में उन्होंने 3.5 से भी कम की इकोनॉमी से 5 विकेट लिए। अगले साल ऑस्ट्रेलिया कप में उन्होंने अब्दुल कादर के साथ मिलकर दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को महज 64 पर ऑल आउट कर दिया। हालांकि 1987 के वर्ल्ड कप में जो कि साउथ एशिया के पाटा पिसो पर था, वसीम बेअसर साबित हुए। 7 मैचों में 40 की बुरी औसत से केवल 7 विकेट उनके नाम आए। 1989-90 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 100 विकेट तो पूरे किए ही, वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट भी चटकाए। उसी मैच में उन्होंने अपनी पहली ओडीआई हैट्रिक भी ली। उसके कुछ समय बाद 1990 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मई को उन्होंने दूसरी हैट्रिक ली। दोनों ही हैट्रिक में खास बात यह थी कि सारे बैट्समैन क्लीन बोल्ड हुए थे, जो वसीम की स्विंग, रफ्तार और लाइन पर अचूक पकड़ की गवाही दे रहे थे।
लेट 80s में ग्रोइन इंजरी के कारण बाहर हुए अक्रम ने इसके बाद जादुई वापसी की और ऐसे फास्ट बॉलर के रूप में उभर कर आए जो स्विंग के साथ पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग भी करा सकता था। उनकी बनाना स्विंग के किस्से मशहूर होने लगे। उनकी तेज रफ्तार पर एक बार वेब रिचर्ड्स ने कहा था कि वो भाग्यशाली है कि वसीम उनके करियर के अंतिम दौर में आए और रिचर्ड्स ने उनको डेनिस लिली के बाद सबसे घातक बॉलर माना। अब आता है साल 1992 का विश्व कप। इमरान खान का कंधा उतर चुका था तो बॉलिंग नहीं करने वाले थे, जिम्मा था वकार वसीम पर। लेकिन वकार हो जाते हैं चोटिल, तब आकिब जावेद के साथ अकरम को पाक पेस बैटरी का जिम्मा संभालना था। पाकिस्तान शुरू के 5 में से 3 मैच हार चुका था। इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 74 रन डिफेंड करने उतरी पाकिस्तान को बारिश ने बचा दिया। उन 5 मैचों के बाद जो खेल पाकिस्तान ने दिखाया उसने भारत के विश्व कप 1983 की यादों को ताजा कर दिया। पाकिस्तान के पहले 5 मैचों के दौरान अकरम उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट लेकर अकरम ने सेमीफाइनल से पहले ही रफ्तार पकड़ ली। सेमीफाइनल में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर वसीम ने पाक को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा रोल अदा किया। फाइनल था इंग्लैंड से। पाकिस्तान के 249 के जवाब में इंग्लैंड 141 पर महज 4 विकेट खोकर अच्छी लय में था। तभी इमरान ने वसीम को पारी का 35वां ओवर पकड़ाया और उनसे 2 विकेट की मांग की। ओवर की 5वीं गेंद पर एलन लैम्ब और 6ठी गेंद पर क्रिस लेविस को जिस प्रकार से आउट किया वो गेंदें एलियन रिवर्स स्विंग हुई, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज की अंदर को स्विंग करती गेंद एकाएक बिना लेंथ बदले बाहर को स्विंग कराने लगी और कुछ स्टंप्स में लगने से कुछ देर पहले फिर अंदर को स्विंग हो गई। इन्हीं 2 लगातार विकेटों ने पाकिस्तान की जीत पक्की कर दी। पाकिस्तान विश्व कप जीता और अकरम प्लेयर ऑफ द फाइनल बने, क्योंकि उन्होंने बल्ले से भी 18 गेंदों में तेज 33 रन बनाए थे। साल 1992 से 1997 तक वसीम ने 131 वनडे मैचों में 198 विकेट ले चुके थे, जिनमें 14 पारी में 4 विकेट का कारनामा भी शामिल था। अकरम को 30 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई। इसके बावजूद वो अगले 6 साल तक बिना तनाव बिना स्वार्थ के पाकिस्तान के लिए खेले। हालांकि उन्होंने अपना रन अप छोटा कर दिया, लेकिन करियर के आखिर तक उनकी रफ्तार कम नहीं हुई। साल 1999 की विश्व कप में उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने गजब का खेल दिखाया और फाइनल तक का सफर तय किया। फाइनल के बाद उन पर फिक्सिंग के आरोप भी लगे, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से विकेट अजीबोगरीब ढंग से गिरे थे। हालांकि बाद में वसीम को दोष मुक्त करार दिया गया। 2003 विश्व कप में 6 मैचों में 12 विकेट लेकर वे पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज थे, लेकिन पाकिस्तान सुपर सिक्स से पहले ही बाहर हो गई और पीसीबी द्वारा बाहर निकाले गए क्रिकेटर्स में वो भी शामिल थे। अपमानित महसूस होकर अकरम ने महज 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली। अब बात करते हैं उनके रिकॉर्ड्स की। 104 टेस्ट में 414 और 356 ओडीआई में 502 विकेट, ये महज आंकड़े नहीं बल्कि विश्व रिकॉर्ड है। 104 मैचों में से 17 में वे मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने लगातार 2 टेस्ट में 2 हैट्रिक ली है, जो एक रिकॉर्ड है। 22वीं बार ओडीआई में मैन ऑफ द मैच रहने वाले अकरम ने 199 बार ओडीआई में जीत का स्वाद चखा, जहां उन्होंने 326 विकेट हासिल किए। 1996 में शेखपुरा में जिम्बाब्वे के खिलाफ 257 रन आज भी नंबर 8 पर बल्लेबाजी का उच्च स्कोर तो है ही, साथ ही में 12 छक्के भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लिस्ट क्रिकेट में उनके नाम 881 विकेट दर्ज हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। साल 2002 में विजडन ने अपने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्लेयर्स की सूची निकाली, जिसमें अकरम ने मुरलीधरन, मैकरा, गॉर्नर, इमरान खान, डोनाल्ड को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक 1223 अंक हासिल किए। अकरम ऐसे दुर्भाग्यशाली खिलाड़ी हैं जिनके नाम उन टेस्ट मैचों में 3 बार 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड है जहां पाकिस्तान मैच हार गई थी। अकरम के नाम एक मैदान में सर्वाधिक एक दिवसीय विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने शारजहां के मैदान में 122 विकेट लिए हैं। यही नहीं, एक कप्तान के तौर पर वसीम ने सर्वाधिक 158 एक दिवसीय विकेट भी लिए हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ESPN और स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंटेटर का काम किया। साल 2010 में अकरम कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजी सलाहकार बने, जहां से उन्होंने उमेश यादव और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी टैलेंट को न केवल पहचाना बल्कि उनको निखारने में भी बड़ी भूमिका निभाई। ऐसा ही काम उन्होंने 2006 में इरफान पठान के साथ भी किया था और पठान के हैट्रिक के कारण वसीम की आलोचना भी हुई थी। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के भी बॉलिंग कोच रह चुके हैं। अभी वो कराची किंग्स के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही कश्मीर प्रीमियर लीग के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान की सरकार ने वसीम अकरम को क्रिकेट में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको 2009 में हिलाले इम्तियाज अवार्ड से नवाजा। निजी जीवन की बात की जाए तो उन्होंने साल 1995 में हुमा मुफ्ती से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, लेकिन 2009 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में हुमा की मौत हो गई थी। साल 2013 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई शनीरा थॉम्पसन से शादी की,
जिनसे उन्हें एक बेटी हुई। वसीम अकरम ने साल 1998 में अपनी आत्मकथा वसीम प्रकाशित की। इसके अलावा वो टेलीविजन शोज में भी नजर आए, जिसमें कपिल शर्मा शो में उनकी प्रस्तुति भी शामिल है। जाने अनजाने ही सही, वसीम का विवादों से भी कुछ खास रिश्ता सा रहा है। अपने हमवतन वकार के साथ करियर के अंतिम समय में उनकी अनबन सबके सामने आने लगी थी, जिसकी वजह कप्तानी हासिल करना था। अताउर रहमान ने उन पर आरोप लगाया था कि वसीम ने उन्हें पैसे देकर लचर बॉलिंग करने को कहा है। 1993 के वेस्टइंडीज दौरे में उनका वकार आकिब और मुश्ताक के साथ गाजा पीते पकड़ा गया था। शोएब अख्तर ने वसीम वकार की कॉन्ट्रोवर्सी को अपने करियर की बर्बादी का कारण बताया था। पत्नी की असामयिक मौत, 30 की उम्र में डायबिटीज की बीमारी के बावजूद वसीम क्रिकेट इतिहास के सबसे महान लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के रूप में अंकित किए जाएंगे। नरक टीवी की टीम वसीम अकरम को उनके अमूल्य योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए नरक टीवी को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।